एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में महाराजगंज में तहरीर लिखने के नाम पर पुलिसकर्मी व्यक्ति से घूस लेता नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया में इस तरह का जो वीडियो सामने आया है कि वाकई में ये सच है या फिर कुछ और है इसके पीछे की कहानी, हमने पड़ताल की। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सच। महाराजगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक युवती को दबंगों ने जमकर पिटाई की। उनका आपत्तिजनक वीडियो था। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले को हुए कुछ ही दिन बीते कि एक और वीडियो महाराजगंज का सोशल मीडिया में तैरने लगा, जिसमें पुलिसकर्मी तहरीर लिखने के नाम पर एक शख्स से घूस लेते रंगे हाथ मोबाइल के कैमरों में कैद कर दिखाई दे रहा है। महाराजगंज के इस वीडियो के सामने आते ही हमने इसकी पड़ताल का जिम्मा उठाया और आपको सबसे रूबरू कराने की, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखिए। वीडियो में एक पुलिसकर्मी नीले रंग की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही कुछ लोगों की आवाजें भी इस वीडियो में आ रही है। बात करते करते पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के अंदर हाथ डालकर एक कागज निकालता, इसके बाद कागज की पर्दे खोलते हुए अपना चश्मा जेब से निकालकर पढ़ने की कोशिश करता है और साथ पास में रखी चेयर पर रखे अपने मोबाइल को उठाता है। पुलिसकर्मी और व्यक्ति की बातचीत चलती रहती, तभी एक गुलाबी शर्ट पहन एक व्यक्ति पुलिसकर्मी के पीछे से आकर कुछ नोट उसको देता है। वीडियो में दावा किया जा रहा था कि महाराजगंज में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो दिखा था। हमने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल अपनी एक टीम की। हमारी टीम के इस वीडियो की पड़ताल के दौरान पता चला इस तरह के वायरल वीडियो कोठीभार थाना क्षेत्र का। कुमार थाना क्षेत्र पहुंचने के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन हमने वीडियो के बारे में कई लोगों से पूछा और फिर हमें सफलता मिली। हमारी जानकारी में आया कि क्षेत्र के चिरौटा बाजार में तैनात सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां तहरीर लिखवाने के नाम पर पुलिसकर्मी रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो। हमने पुलिस के आला अधिकारियों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारियों की चुप की संदेह इस ओर इशारा कर रही कि बढ़ती का दामन दागदार हुआ है, लेकिन इसका वो सामना नहीं कर पा रहे। रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का सबूत वीडियो के तौर पर सबके पास और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल में हमने पाया सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो सही तहरीर लिखने के नाम पुलिसकर्मी ने घूस की मांग। सोशल मीडिया में कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो झूठ के साथ पेश किए जाते हैं, तो कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसको देखने के बाद हमारी पड़ताल में संबंधित लोग बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई को कौन दबा सकता है। दिखा सकता हमारी पड़ताल में महाराजगंज में घूस लेते पुलिसकर्मी का वीडियो सही साबित हुआ। हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की करतूत का वीडियो सामने आया है, पर अफसर खामोश हैं। पुलिस वाले द्वारा सरेआम ली जा रही रकम से पुलिस के ईमानदारी की पोल खुली है। पुलिस वाले के करतूत ने दायित्व के प्रति निष्ठावान पुलिस वालों की छवि को कलंकित किया है। समाचार प्लस के लिए विवेक जायसवाल, महाराजगंज। और अगली खबर, अगला वीडियो शाहजहांपुर से है। जी हाँ, इस सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक बकरे की पीठ पर अल्लाह का नाम उभर कर आया है। दावा यह कि अनोखे करिश्मे की वजह से बकरी की कीमत करोड़ों में आके जा रही है। वायरल वीडियो हैरान करने वाला है, साथ इस वीडियो के साथ कुदरत के करिश्मे की बात भी जो कही है, तो क्या वाकई में ये वीडियो सही है? आइए देखते हैं। आमतौर पर आपने बहुत सारे बकरे देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया एक बकरे में अनोखा करिश्मा दिखाई पड़ता है। बकरे की पीठ पर अल्लाह का नाम उभर कर सामने आया। हमने इस वीडियो की पड़ताल की, जानने की कोशिश की इस वायरल वीडियो की सच्चाई, लेकिन पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसे कुदरत का अनोखा करिश्मा लोग करार दे रहे हैं। जिस करिश्मे की वजह से बकरे की कीमत लोग लाखों करोड़ों में आंक रहे हैं। वीडियो में एक बकरा दिखाई दे रहा है, इसका रंग काला और भूरा है। बकरे के गले में एक रुमाल सा बंधा दिखाई दे रहा है। के आसपास कुछ लोग खड़े हैं। बकरे की पीठ में उर्दू में कुदरती कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। पास में खड़ा शख्स लिखावट को अपने हाथ से मार करते हुए दिखा रहा है, जिसे अल्लाह का नाम बकरे की पीठ पर लिखा बताया जा रहा है। जिसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि कुदरत के इस करिश्मे की वजह से बकरे की कीमत लाखों और करोड़ों में लोग आंक रहे हैं। ये वीडियो जो हमारे सामने आया तो हमने उसकी पड़ताल करने की चाहिए। मामला अनफसुरा था, लिहाजा वीडियो की बड़ी सावधानी से पड़ताल करने की जरूरत है।
हमने टीम शाहजहांपुर के लिए रवाना की। वहां पहुंचकर इस वीडियो के आधार पर हमने कई लोगों से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की ये वीडियो शाहजहांपुर के किस क्षेत्र का है। कड़ी मशक्कत के बाद हमें इस तरह का बकरा जलालाबाद में होने की जानकारी मिली। हमने शाहजहांपुर से जलालाबाद की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर हमने वीडियो के आधार पर पड़ताल की तो जानकारी मिली कि क्षेत्र के रास्ता खुद के रहने वाले एक शख्स के यहाँ ये बकरा है। जहाँ इस वीडियो को दिखाकर हमने जानकारी की तो पता चला कि एक व्यक्ति राजेश के यहाँ 2 साल पहले बकरे ने जन्म लिया था। हम इस समय पहुंचे हैं जलालाबाद क्षेत्र के भैंसटा खुर्द गांव। ये जो है बकरा मेरे सामने है और हम पड़ताल कर रहे हैं इस समय क्या बकरे पे वाकई में जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बकरा मेरे सामने है और इस बकरे पे जो है बताया जा रहा है कि कुदरती जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं जिनका बकरा है। क्या ये भैया बकरा जो है आपके यहाँ कब जन्मा, कितने साल से आपके यहाँ बकरा है और क्या इसमें लिखा हुआ है बताइए। 2 साल तो हो गए हैं इसको, अल्लाह लिखा है साहब। अच्छा, ये कितने लोगों ने यहाँ पे देखा है और जो है क्या बता रहे हैं? यहाँ 30 पड़ोस के सब लोगों ने देखा है, अल्लाह लिखा है, मुल्ला लोगों ने देखा है, अल्लाह लिखा है साहब। कहाँ कहाँ से भीड़ जुट रही है आपके बकरे को देखने के लिए? चारों गिद्ध गाँव के भीड़ आ चुकी है देखने, इस पर अल्लाह लिखा है। साथ ही में पता चला कि बकरे के जन्म से ही इसकी पीठ पर कुछ लकीरें उभरने लगी, लेकिन बकरे के मालिक ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन पड़ोस के कुछ दूसरे भाइयों की नजर इस बकरे पर पड़ी तो सब देखकर हैरान रहे। उन्होंने दावा किया कि इस पर तो अल्लाह लिखा हुआ है। कि बकरा इस पे क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर जो है अल्लाह लिखा हुआ है। बहुत अच्छा बकरा है हमारे, मतलब अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो बहुत मतलब कुदरती अल्लाह पाक, मतलब कुदरती इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब इसकी जब दूर तक प्रशंसा जाएगी तो आने वाले लोग, तीर पड़ोस के रिश्तेदार लोग दूर दूर से देखने वाले देख चुके हैं और देखने वाले आ भी रहे हैं। देखने वालों का तांता लगा हुआ है। तो एक कुदरत का इसे आप करिश्मा मानेंगे? इसका तो कुदरत का करिश्मा है, कोई अपने ऊपर लिखने या बनाने वाली चीज को थोड़ी है। ये तो एक कुदरत ने अपने बना दिया है, उसके जरिए मतलब इसकी उन्नत हो रही है बकरे की। बकरे बाजार में सभी बिकते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। क्या इसकी आप पूजा भी करते हैं? जी। बकरे का मालिक राजेश बकरे के अनोखे करिश्मे और ऊंची कीमत पहुंचने की बात से बकरे की खास तौर पर सुरक्षा कर रहा है और उसके खान पान का विशेष ध्यान भी रख रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि बकरे का मालिक हिंदू होने के बावजूद बकरे का ध्यान हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग कर रहे हैं। इस तरह सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की पड़ताल पूरी हुई और हमारी पड़ताल में ये बात सामने निकल कर आई। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो सही है। कुदरती करिश्मे से बकरे की पीठ पर अल्लाह लिखा हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने बकरे की पीठ पर अल्लाह लिखे होने की तस्दीक। वायरल वीडियो की पड़ताल बड़ी मुश्किलों भरी, लेकिन हमने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे बकरे की पीठ पर अल्लाह नाम उभर कर आने वाले वीडियो को अपनी पड़ताल में सही पाया। समाचार प्लस की वायरल एक्सरे टीम ने पड़ताल की कि पड़ताल में जो वायरल हो रहा वीडियो वो सही पाया गया और बकरे के ऊपर जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है। इस बात की कई मौलवियों ने भी पुष्टि की, कई जो है धर्म मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी पुष्टि की। फिलहाल ये बकरा आजकल जो है शाहजहांपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, समाचार प्लस। सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर दौड़ रही कांवड़ियों की डीसीएम के नीचे जा घुसा और अचानक चलते ट्रक के नीचे के आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो इस वीडियो के हमने पड़ताल की कि क्या वाकई में ये घटना सच है, देखें। सावन का महीना शिव को समर्पित है। देवों के देव महादेव को रिझाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से कांवड़ लेने जाते हैं। इन कांवड़ों में कई तरह की कांवड़े होती हैं, जिनमें से डांग कांवड़ तेज रफ्तार में जाती है। ऐसी एक डांग कांवड़ वाली डीसीएम के नीचे एक युवक ने छलांग लगा दी और डीसीएम के पहिए के नीचे आ गया। हमने इस वीडियो की पड़ताल की, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो। वीडियो में एक पुल के नीचे से डांग कांवड़ियों की एक डीसीएम गुजरती है। इस डीसीएम के पीछे एक और डीसीएम गुजरती हुई दिखाई देती है। उसके बाद प्रथम शिव डाक कांवड़ की डीसीएम आती है, जिसमें श्रद्धालु बैठे हुए नजर आते हैं। हरिद्वार से पालम दिल्ली के लिए इस कांवड़ में
बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही ये डाक कांवड़ का डीसीएम गुजरता है, अचानक ही सफेद कुर्ता पहने एक शख्स दौड़ कर आता है और डीसीएम के पिछले पहियों के नीचे लेट जाता है। डीसीएम का पहिया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस दर्दनाक वीडियो को देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। हमने उस वीडियो की पड़ताल की। वीडियो में दिखाई दे रहे पुल और कांवड़ियों की टोली के आधार पर हमने जब वीडियो की जांच करनी शुरू की तो पता चला ये घटना सहारनपुर के देवबंद की है। हमारे जहन में कई तरह के सवाल थे। शख्स चलती डीसीएम के नीचे क्यों कूदा? आत्महत्या करने वाला शख्स कौन था? तमाम सवालों को लिए हमने सहारनपुर के देवबंद के लिए टीम रवाना कर दी। वहां पहुंचकर हमने उस जगह की तलाश की जहां का वीडियो बताया जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद हमारी टीम उस पुल के पास पहुंच गई। आप भी देखिए, ये वही पुल है जहां पर वीडियो में दिखाई जा रही दर्दनाक घटना हुई। ये पुल देवबंद में मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे के यूनियन तिराहे पर बना है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में कांवड़ियों की गाड़ी के नीचे आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था। हम इस वीडियो की पड़ताल करने के लिए देवबंद पहुंचे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो वायरल का सच क्या है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद हमारी टीम ने उप जिलाधिकारी रामविलास यादव से मुलाकात की। जब हमने उनसे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मृतक का नाम वाहिद था और उसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष थी और वाहन से टकराने से उसकी मृत्यु हुई। रास्ते में किसी वाहन से टक्कर लगी। एसडीएम से बातचीत होने के बाद हमें खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम वाहिद के तौर पर पता चला। हमारी पड़ताल में ये बात तो साफ हो गई थी कि देवबंद के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे के यूनियन तिराहे पर कांवड़ियों की डीसीएम के नीचे कूदने वाला शख्स वाहिद था, लेकिन अभी कई सारे सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना भी बाकी था। तमाम सवालों को लिए हमने मृतक के परिवार को ढूंढ निकाला। वहां का माहौल गमगीन था, लोग विलाप कर रहे थे, घर का एक सदस्य चला गया था। हमें पता चला कि कांवड़ियों की डीसीएम के नीचे जा घुसने से युवक की मौत हुई, वो मंदबुद्धि था। इस तरह हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बारे में पता चला। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो सही है। अचानक चलती गाड़ी के नीचे आ जाने से युवक की मृत्यु हुई। वाहिद नाम का शख्स दिमागी तौर से बीमार था। देवबंद में हुई इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया और जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया। इस वीडियो की पड़ताल बेहद जरूरी थी। सहारनपुर जिस तरह पिछले दिनों हिंसा की चपेट में रहा, उसे देखते हुए कहीं इस घटना को कोई कम्युनल रंग न दे दिया जाए। हालांकि युवक के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। वहीं हमारी पड़ताल में भी ये साबित हुआ कि सोशल मीडिया में युवक के कांवड़ियों के डीसीएम के नीचे कूदने वाले शख्स का वीडियो सही है। समाचार प्लस की टीम ने देवबंद पहुंचकर वायरल वीडियो का सच जानने की कोशिश की। यह युवक देवबंद इलाके के लैसवाड़ा का रहने वाला है। यह युवक मानसिक रूप से बीमार था और पूरी रात अपने घर पर नहीं पहुंचा था। इस युवक ने कांवड़ियों की गाड़ी के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। हमारी पड़ताल में यह वीडियो 100% सत्य साबित हुआ है। सहारनपुर से समाचार प्लस के लिए धर्मेंद्र चौधरी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है जो कमल के फूल की तस्वीर है। उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है और लिखा है कमल का फूल हमारी भूल। तो हमने वायरल हो रही इस तस्वीर की पड़ताल की, क्या है सच देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत और मोदी मैजिक देश और दुनिया ने देखा। बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, उसके बाद बीजेपी ने कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए कई राज्यों में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कमल के निशान पर क्रॉस लगा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है कमल का फूल हमारी भूल। चलिए पहले उस तस्वीर के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। वायरल तस्वीर में एक कार दिखाई दे रही है, कार का दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ एक शख्स भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात उस कार के शीशे पर लगा एक स्टिकर है। स्टिकर पर कमल का फूल बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कमल का फूल हमारी भूल। इसके साथ ही स्टिकर पर क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। जैसे ही वायरल तस्वीर हमारे पास पहुंची, हमने इसकी पड़ताल करने की ठानी और इसके लिए इंटरनेट को खंगाला, लेकिन इससे जुड़ी जानकारी हमें नहीं मिली। कमल का फूल हमारी भूल, कुछ इस तरह के ही फोटो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये फोटो जयपुर में कई जगह सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुपों में देखे भी गए हैं, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई,
इस खबर की पड़ताल आज समाचार प्लस करेगा और इसी की पड़ताल में हम जुटेंगे आज जयपुर में। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया और फेसबुक पर इस फोटो की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो कई फेसबुक फ्रेंड्स और कॉमन मैन की प्रोफाइल जांचने के बाद भी इस तरह या इससे मिलता जुलता फोटो हमें नहीं मिला। ऐसे में हमने व्हाट्सएप ग्रुप में कमल के निशान पर क्रॉस वाली तस्वीर को तलाशना शुरू किया। पहली पड़ताल हमने फेसबुक पे की क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जरिया फेसबुक ही है। फेसबुक पर पड़ताल के दौरान कई ग्रुप हमने देखे, कई इमेजेस हमने देखी, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की फोटो, इस प्रकार की इमेज यहाँ कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन सोशल जो मीडिया है उसका एक बड़ा जरिया है व्हाट्सएप के ग्रुप, अब उसकी पड़ताल भी होना बाकी है, क्या पता उसमें इस फोटो की सच्चाई का कुछ पता चल सके। तो हम जांचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। हमारी मेहनत रंग लाई, हमें व्हाट्सएप ग्रुप से एक क्लू मिला। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप में इस फोटो से मिलती जुलती कई डिस्प्ले प्रोफाइल फोटो मिली। जिस ग्रुप में और जिन लोगों के व्हाट्सएप प्रोफाइल में ये फोटो लगी थी उसमें एक खास बात थी, वो ये कि जिन व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो से मिलती जुलती डिस्प्ले प्रोफाइल फोटो थी उनका संबंध राजपूत समाज से था। वायरल तस्वीर के साथ ही ये दावा किया गया था कि जयपुर में दिखने लगे कारों पर ये स्टिकर, लिहाजा इस बात की तस्दीक हो गई थी कि फोटो की सच्चाई से पर्दा जयपुर जाकर ही उठेगा, लिहाजा हमने टीम राजस्थान के जयपुर के लिए रवाना कर दी। जयपुर पहुंचने के बाद हमारे सामने चैलेंज था कमल के निशान पर क्रॉस लगा वो स्टिकर हमें कहीं दिख जाए, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी हमें गाड़ियों पर इस तरह का स्टिकर तो नहीं दिखा। हमारी पड़ताल में ये बात तो साफ हो रही थी कि स्टिकर लगी गाड़ियां विशेष समाज से ही ताल्लुक रखती हैं, वरना हमें कमल के निशान पर क्रॉस लगे और स्लोगन कमल का फूल हमारी भूल ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर नजर आता। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए उस तस्वीर को कई लोगों को दिखाकर पूछा और फिर हमें जो जानकारी मिली वो हमारी पड़ताल में बेहद अहम साबित हुई। हमें जो जानकारी मिली वो इस बात को पुख्ता कर रही थी कि इस विशेष स्लोगन वाले स्टिकर का ताल्लुक राजपूत समाज से ही है। दरअसल आनंद पाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे राजपूत समाज के कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध को जाहिर करने के लिए अपने वाहनों, मकानों और व्हाट्सएप डीपी में इसका इस्तेमाल किया। समाचार प्लस के पास जो फोटो आया था उसकी सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम ने जगह जगह बात की, फेसबुक पे सर्च करा, व्हाट्सएप ग्रुपों में सर्च करा, तो एक लिंक मिला, वो लिंक जुड़ा था राजपूत समाज से और आनंद पाल एनकाउंटर मामले से। हमने कई राजपूत संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों से बात करी तो इसकी कुछ सच्चाई हमारे सामने भी आई। हमारे साथ जो राजपूत कर्णी सेना है, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना, उनके प्रवक्ता करण सिंह जी भी मौजूद है। करण जी, क्या सच्चाई है? फोटो मैंने आपको भी दिखाई, क्या सच्चाई है? देखिए, जो फोटो समाचार प्लस ने दिखाई है वो हमारे ही सेना के हैं और सीनियर राजपूत संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पड़ताल में इस बात से पर्दा उठ गया था कि कमल के निशान पर क्रॉस वाली तस्वीर दरअसल राजपूत समाज ने विरोध स्वरूप अपने वाहनों, मकानों और व्हाट्सएप टीवी में इस्तेमाल की। इस तरह वायरल तस्वीर की पड़ताल में हमें पता चला सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर सही है। राजपूत कार्यकर्ताओं ने कमल के निशान पर क्रॉस वाली तस्वीर का इस्तेमाल विरोध जताने के लिए किया। विरोध करने वाले आनंद पाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने में देर नहीं लगती और लोग भी इन्हें शेयर पे शेयर किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरों वीडियो के दावों की सच्चाई के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, नहीं तो अनजाने में ही आप अफवाह को फैला रहे होते हैं। लिहाजा हमने सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर की पड़ताल की जो सच साबित हुई। जिसे फोटो की सच्चाई जानने के लिए हम फील्ड में उतरे थे और पूरी तहकीकात की, उस तमाम तहकीकात के बाद ये तो साबित हो गया कि वायरल हुआ वो फोटो बिल्कुल सही था। जयपुर से दिनेश कुमार के साथ समाचार प्लस के लिए पीयूष शर्मा।